तरक्की के रास्ते खोलते हैं वास्तु के ये 14 आसान उपाय। घर में आती है खुशहाली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल प्रबीर दास व्लॉग पर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वास्तु शास्त्र में ऊर्जा का खास महत्व माना जाता है। वास्तु के अनुसार हमारे घर में रखी कुछ चीजों का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। अक्सर हम देखते हैं कि हम जीवन में बहुत कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसे में हम अपने भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे का कारण कई बार वास्तु दोष भी होता है। घर में वास्तु के कुछ नियमों का पालन ना करने से वास्तु दोष लगता है। इसकी वजह से तरक्की में रुकावट आने लगती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा रहने पर परिवार में आर्थिक सुख, समृद्धि, वैभव और अच्छी सेहत मिलती है। वहीं घर में नकारात्मक ऊर्जा होने पर व्यक्ति को आर्थिक हानि, कार्यों में बाधाएं, बीमारियां और परिवार में मतभेद होते रहते हैं। वास्तु के अनुसार अगर घर में किसी भी तरह का वास्तु संबंधी कोई दोष होता है तो व्यक्ति के जीवन में रुकावटें और धन की हानि होती है। ऐसे में हमको वास्तु दोष दूर करने के कुछ खास उपाय करने चाहिए, जिसे करके हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ विशेष उपाय जिन्हें अपनाकर व्यक्ति तरक्की और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। आइए जानते हैं कि वास्तु के किन उपायों के करने से तरक्की के राह खुल जाते हैं। घर में वास्तु के कुछ नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। इन नियमों का पालन ना करने पर वास्तु दोष लगता है, जिसके नकारात्मक प्रभाव झेलने पड़ते हैं। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए जानते हैं। एक, वास्तु शास्त्र में कुछ पेड़ पौधों को घर में रखना या लगाना बेहद शुभ और लाभकारी माना जाता है। इसमें तुलसी का अहम स्थान है। वास्तु के अनुसार हर घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। माना जाता है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहां पर खुशहाली रहती है। घर की लक्ष्मी को हर दिन शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है। दो, अपने पूजा स्थल पर हर दिन घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। ऐसा करने से परिवार में धन दौलत की बारिश होती है। तीन, वास्तु के अनुसार कभी भी घर के मुख्य द्वार के सामने झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और उस घर में दरिद्रता आती है। जिस घर के सदस्यों से माता लक्ष्मी नाराज रहती हैं वहां कभी भी सुख शांति नहीं रहती हैं। चार, खाना खाने के बाद झूठे बर्तन कमरे या रसोई घर में कभी नहीं छोड़ने चाहिए। भोजन करने के बाद उठे बर्तन धुलने के स्थान पर ही रखना चाहिए। रात भर झूठे बर्तन छोड़ने से घर में कंगाली आती है। माना जाता है कि इससे पूर्वज नाराज हो जाते हैं और घर का सुख चैन समाप्त हो जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा भी समाप्त हो जाती है। पांच, जूते चप्पल हमेशा घर के बाहर निकालने के बाद ही अंदर प्रवेश करना चाहिए। बाहर से आने पर जूते चप्पल का एक निश्चित स्थान होना चाहिए। कभी भी भूल कर भी जूते पहनकर बेडरूम तक नहीं जाना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। छह, वास्तु शास्त्र के अनुसार नल और टंकियों से अनावश्यक बहता पानी अशुभ माना जाता है। जिन घरों में व्यर्थ पानी बहता है वहां पर दरिद्रता का वास होता है, वहां बरकत नहीं होती है। इसके अलावा बेवजह पैसा खर्च होता है। ये अवश्य ध्यान रखें कि व्यर्थ में पानी की बर्बादी न हो। सात, अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को हमेशा साफ रखें, क्योंकि घर में आने वाला धन का इससे सीधा संबंध होता है। आठ, घर में पूजा स्थान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि आपके घर में दक्षिण दीवार पर मंदिर बना हुआ है तो ऐसे में आपको धन से संबंधित भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
घर में पूजा स्थान हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में ही होना चाहिए। 9. वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की पूर्व या उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। ये वास्तु दोष को दूर करने के साथ ही धन संबंधी रुकावट दूर करता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। 10. वास्तु उपाय के अनुसार यदि आप नौकरी या व्यापार में आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो अपने घर में उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण को साफ रखना चाहिए। 11. घर की सुख समृद्धि रसोई घर से झलकती है। यदि आपकी रसोई गलत दिशा में है, इसके वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए आग्नेय कोण में बल्ब लगा दें और हर रोज ध्यान से सुबह शाम उस बल्ब को जरूर जला कर रखें। 12. अगर आपने घर में पूजा स्थल बना रखा है तो वहां शुद्ध देसी घी का दीपक हर रोज जलाएं। अगर घर में शंख भी रखा है तो उसकी ध्वनि 3 बार सुबह शाम नियमित रूप से करें। घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। 13. घर के देवालय में देवी देवताओं पर फूलों के हार चढ़ा रखे हैं तो हर दूसरे दिन पुराने हार हटाकर नए हार भगवान को अर्पित करने चाहिए। 14. आपको भूलकर भी कभी घर में टूटे बर्तन या टूटी खाट का प्रयोग नहीं करना चाहिए और न ही घर में टूटे बर्तन व टूटी खाट रखनी चाहिए। इसका आपको फायदा तो होता नहीं, उल्टा धन हानि के योग बनते हैं। दोस्तों, ये वो 14 वास्तु शास्त्र के आसान उपाय हैं जिनसे तरक्की के रास्ते खुलते हैं, घर में आती है खुशहाली, सुख समृद्धि और कभी भी दौलत रुपया पैसा की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, आपको इन सभी वास्तु उपायों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपकी जिंदगी में कभी भी हानि नहीं होगी और सभी देवी देवताओं की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।